हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि होल स्पाइन स्क्रीनिंग कैसे कंपोज करते हैं। सबसे पहले हमने सर्वाइकल, डोर्सल और थर्ड जो है वो लंबर के लेवल पे हमने स्काउट लिए हुए हैं। तो हम सर्वाइकल के जो स्काउट है उस पर हमने सर्वाइकल की प्लानिंग करी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो सर्वाइकल का हमें मिला हुआ है। डोर्सल पर डोर्सल की करी हुई है, लंबर पर लंबर की करी हुई है। तो अभी हमने क्या करना है, सर्वाइकल, डोर्सल और थर्ड पार्ट है लंबर, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। देन लिखा हुआ है कंपोजिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी हमें तीन ऑप्शन मिलेंगे, एमआर कंपोजर, स्पाइन एनजीओ और अडेप्टिंग कंपोजर एमआर। तो हमने जो स्पाइन कर रहे हैं तो हम स्पाइन को ही कंपोज करेंगे, ओके कर दिया है। ओके करने के बाद जो हमने कट्स लिए हैं, हमने 39 कट्स मिले हुए हैं, तो देख सकते हो कि जो होल स्पाइन है वो ऑटोमेटिक कंपोज हो चुकी है। तो ये इजीली है कि आपके सामने पूरी होल स्पाइन मिल गई। अभी हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन नॉर्मलाइजेशन पे जाएंगे। इससे क्या होगी, जो वो इसकी विंडो थोड़ी चेंज हो गई और थोड़ी शार्पनेस आ गई है इमेज में, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो गई है। पेशेंट पर जाएंगे, सेव होल एज, जो इमेजेस है वहाँ पर हमने W लिख के स्पाइन मतलब होल स्पाइन करके ओके कर देना है। तो अभी आप देखोगे, मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा तो वहाँ पे हमें ऑलरेडी या वहाँ पे सेव मिलेगी, ब्राउज़र व्यूइंग, ये देखिए जो हमने सेव करी है वो सारी इमेजेस हमें मिल गई है, 13 इमेजेस है। तो ये जो हमारी होल स्पाइन है वो कंपोज हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइबर माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।